हैं वो भी मैं आपसे ब्रेड से बने हुए बहुत ही इजी रेसिपी को शेयर करने जा रही हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस रेसिपी को मैं बहुत ही इजी एंड सिंपल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके बनाई हूँ, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर इस रेसिपी को आप एक बार घर में बनाकर सबको खिलाएंगे तो सिर्फ तारीफ़ ही पाएंगे, उतना मज़े का बनता है ये। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप सबसे पहले देखें। चलिए मज़ेदार रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्लरी का तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैं आधा कप मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए मैं यहाँ पे हाफ ग्लास पानी डाली हूँ और इसको अच्छे से एक स्लरी बना लूँगी। इस तरीके से आप कोई भी स्पून या विस्कर यूज़ करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इसको ग्राइंडिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करने जा रही हूँ ब्रेड को। चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा स्लरी बिल्कुल तैयार है। चलिए इसको एक साइड में रख देंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं थोड़े से कॉर्नफ्लेक्स ले हूँ, इसको अच्छे से इस तरीके से चूर लूँगी ताकि अच्छे से छोटे हो जाए पीसेस इसके। देखिए ये भी छोटे हो गए हैं, चलिए ये भी तैयार हुआ है। अब यहाँ पे मैं 8 ब्रेड स्लाइसेस ली हूँ, आप चाहे तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको भी फ्रेश लेना है आपको, नहीं तो टूट जाएंगे। इसको भी साइड में रख दूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे वेजिटेबल स्टफिंग तैयार करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पे थोड़े से 4 टेबल स्पून के करीब प्याज ली हूँ और थोड़े से बचा कर रखी हूँ और साथ में डालूँगी 1 मीडियम साइज़ का स्लाइस्ड टोमेटो और साथ में डालूँगी 1 बारीक कटे हुआ शिमला मिर्च और 2 बारीक कटे हुए हरी मिर्च और थोड़े से हरा धनिया। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ली मैंने। अब लास्ट में इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून मायोनीस। अब सारे इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे एक मिक्सचर बनके तैयार हुआ है, चलिए दूसरे मिक्सचर की तैयारी कर लेंगे। दूसरे स्टफिंग की तैयारी के लिए हमें चाहिए 5 उबले हुए आलू, इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। आप कोई भी फोक या मैशर यूज़ करके इस तरीके से मैश कर सकते हैं। अब थोड़े से बचे हुए प्याज को इसमें डाल देंगे। और साथ में डालेंगे इसमें 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून नमक और 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टेबलस्पून चिल्ली फ्लेक्स। अगर अवेलेबल है तो डालिएगा, नहीं तो स्किप कीजिएगा। और साथ में डालेंगे 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला और उसके बाद डालेंगे 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर और साथ में डालेंगे थोड़े से धनिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इसको भी अच्छे से मिक्स कर ली मैंने। चलिए इसको भी साइड में रख देंगे। अब हमारा सारा स्टफिंग और ब्रेड बिल्कुल तैयार है, चलिए इसको अच्छे से स्टफ़ करने के प्रोसेस में चलेंगे। यहाँ पे मैं ब्रेड स्लाइसेस ली हूँ 2 और इसके ऊपर सॉसेस को ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा टोमेटो केचप ली हूँ और साथ में डालूँगी मायोनीज। इन दोनों को अच्छे से एक ब्रेड स्लाइस के ऊपर मिक्स कर लूँगी और यहाँ पर डालूँगी हरी चटनी और साथ में डालूँगी 1 टेबल स्पून मायोनीज। अब इन दोनों को भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इन दोनों सॉसेस अच्छे से रेडी बन चुके हैं। अब एक ब्रेड स्लाइस के ऊपर डालेंगे आलू स्टफिंग। यहाँ पे मैं डालकर इसको अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। देखिए इस तरीके से आपको भी स्प्रेड करना है। देखिए इसको अच्छे से स्प्रेड कर ली मैंने। अब यहाँ पे डालेंगे 1 चीज़ स्लाइस, अगर आपके पास अवेलेबल है तो डालिएगा, नहीं तो स्किप कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और डालेंगे यहाँ पर प्याज का मिक्सचर, इस तरीके से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। देखिए सारा इस तरीके से सारी तरफ डाल देंगे। एक स्टफिंग बिल्कुल तैयार है, चलिए इसको इसमें रख के यहाँ पे मैदे में डिप करेंगे इसको सारी तरफ से। देखिए सारी डायरेक्शन में अच्छे से डिप करना है और यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स में अच्छे से इसको डिप करके, आप चाहे तो इसके बदले में ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी अच्छे से क्रिस्पीनेस देगा। चलिए इसको साइड में रख कर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैं तेल को अच्छे से गरम करने के लिए रखी हुई थी। देखिए इस तरीके से मैं फ्राई कर ली और उसको एक स्टैंड में निकाल लूँगी और साथ में दूसरे ब्रेड को भी इसी तरीके से स्टफिंग करूँगी। यहाँ पे मैं कॉर्नर्स को निकाल रही हूँ, आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं या ऐसे ही डाल सकते हैं।
और दोनों साइड्स को भी मैं सॉसेस ऐड करके अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और उसके बाद मैं पोटैटो स्टफिंग डालकर इसको भी अच्छे से स्प्रेड कर ली मैंने। और उसके बाद चीज़ स्लाइस को इसके ऊपर रख के ऑनियन स्टफिंग को भी अच्छे से डाल दी। बहुत ही यम्मी बनता है ये, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये लीजिए, सेकेंड भी स्टफिंग रेडी हो गई है। इसको भी मैदा स्लरी में डिप करके फ्लेक्स के साथ इसको अच्छे से कोट कर लेंगे। चलिए, ये भी अच्छे से बनकर तैयार हुआ है। और यहाँ पे थर्ड ब्रेड ली हूँ, इसको भी अच्छे से कोट कर लूँगी, पहले से अच्छे से कट कर लूँगी इसके कॉर्नर्स। और उसके बाद में सॉसेस को डालकर इसको अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। आप देख सकते हैं इन दोनों ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर सॉसेस को अच्छे से स्प्रेड कर ली मैंने। और उसके बाद मैं यहाँ पे पोटैटो स्टफिंग के लिए ऐड करूँगी। और यहाँ पे ऑनियन स्टफिंग डालकर थर्ड स्लाइस बनके रेडी हो चुका है। चलिए, इसको भी मैदा स्लरी में डिप करके फ्लेक्स के साथ अच्छे से कोट कर लेंगे। ये लीजिए, ये भी बनके तैयार हो चुका है। चलिए, इसको फ्राइंग करने के प्रोसेस में चलेंगे। देखिए, इस तरीके से अच्छे से डीप फ्राई करना है इसको। जब तक फ्राई करना है तब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। देखिए, अलटते पलटते इस तरीके से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, चलिए इसको भी निकाल लेंगे। ऐसा करते दूसरे को भी डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको भी अलटते पलटते फ्राई कर ली मैंने, चलिए इसको भी निकाल लेंगे। अब यहाँ पे मैं सर्व की हूँ। आप देख सकते हैं ये कितने प्यारे लग रहे हैं ना, खाने में भी बहुत ही यम्मी बने हुए हैं। बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजी रेसिपी है ये। आप एक बार खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे, उतने मज़े का बनता है ये। और इसको बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है, ये सिर्फ मिनटों में ही बन जाता है। चलिए, इसको कट करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए, इस तरीके से कट कर ली मैंने, ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर अंदर का कितना प्यारा लग रहा है ना, देखते ही मुंह में पानी आ जा रहा है। वो सॉसेस का फ्लेवर, चीज़ की स्टफिंग और पोटैटो का स्टफिंग और ऑनियन का क्रिस्पीनेस बहुत ही ज़्यादा यूनिक कॉम्बिनेशन है। आप इस हेल्दी स्नैक को भी ब्रेकफास्ट में बनाकर भी खा सकते हैं, बहुत ही यम्मी बनता है ये। और मेहमान के लिए भी ये बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक यू। और मेरा वीडियो इन तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ऐसे और रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। चलिए, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अंजुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड एंड ब्लॉग विद अंजुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी एंड सिंपल रेसिपी जो कि है शीख कबाब। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये बहुत ही कम समय में ही बन जाता है। मार्केट स्टाइल वाला शीख कबाब आप घर में ही बना सकते हैं मेरी रेसिपी से, बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये। चलिए, रेसिपी देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मज़ेदार रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे हाफ किलो खीमा ली हूँ, आप चाहे तो सारा खीमा भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल बारीक वाला खीमा ली हूँ, इसको अच्छे से धोकर पानी का स्ट्रेन कर ली हूँ। चलिए, इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 टेबल स्पून नमक, आधा टेबल स्पून हल्दी पाउडर और साथ में डालेंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा टेबलस्पून चाट मसाला और आधा टेबलस्पून धनिया पाउडर, साथ में डालेंगे आधा टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर और इसके बाद डालेंगे आधा टेबलस्पून से कम ज़ीरा पाउडर और इसके बाद डालेंगे आधा टेबलस्पून मटन मसाला। आप कोई भी ब्रांड का मटन मसाला यूज़ कर सकते हैं। चलिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ में डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। चलिए, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ली मैंने। अब ऐसे को अच्छे से ब्लेंड करेंगे। यहाँ पे एक जार ली हूँ, सारा उस खीमे को इसमें ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज़ का स्लाइस्ड ऑनियन और इसके बाद में डालेंगे 1 मुट्ठी भर के हरा धनिया और साथ में डालेंगे 1 मुट्ठी भर के पुदीने के पत्ते, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और डालेंगे 2 हरी मिर्च, ये तीखी वाली हरी मिर्च है और इसमें आधा नींबू अच्छे से निचोड़ के सारे चीज़ों को अच्छे से बारीक से ब्लेंड कर लेंगे।
आप देख सकते हैं इसको अच्छे से ब्लेंड की मैंने, आपको भी इसी तरीके से ब्लेंड करना है। अब और इसमें डालेंगे क्रिस्पीनेस के वजह से बारीक कटे हुए ऑनियन, एक हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया। और बाइंडिंग के वजह से यहाँ पे 2 टेबलस्पून बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें डाल सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। इसे डालने से हमारे शीख कबाब बहुत अच्छी तरीके से शेप में आएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर को मैं इस तरह से क्रश करके डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। चलिए इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स कर ली मैंने, आप देख सकते हैं मैं इस तरीके से स्टिक्स ली हूँ, इसको अच्छे से कट की हूँ, ये बहुत बड़े थे। नेक्स्ट यहाँ पे पैन में 4 टेबलस्पून ऑयल को गर्म होने के लिए रख दूँगी ताकि शीख अच्छे से फ्राई हो जाए। यहाँ पे चलिए शीख कबाब बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके इस तरीके से ऑयल लगाकर इसको अच्छे से ऐसा फैला लेंगे लंबी तरीके से। आप चाहे तो बड़े साइज़ भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे घर में कर रही हूँ इसलिए छोटे साइज़ का ही काफ़ी है। इस तरीके से प्रेस करके अच्छे से ही कर सकते हैं आप। आप चाहे तो लंबे वाले शीख कबाब भी बना सकते हैं। अगर आपके पास बारबेक्यू स्टिक्स नहीं हैं तो आप इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। देखिए एक शीख कबाब बन गया है, चलिए इसको फ्राई करके दिखाऊंगी आपको। देखिए यहाँ तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है, चलिए इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब तक वो अच्छे से फ्राई हो रहा है तब तक हम शीख कबाब बना लेंगे इसी तरीके से। ले लीजिए ये भी बन गया है, चलिए इसको भी फ्राई कर लेंगे। इसी तरीके से मैं सारे शीख कबाब को इसी तरीके से बना ली और इसको अलटते पलटते दोनों तरफ में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो ओवन में भी रख सकते हैं, पर बहुत सारे लोगों के पास ओवन अवेलेबल नहीं रहता है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको तवे में फ्राई करके दिखा रही हूँ। आप चाहे तो अंगार में भी भून सकते हैं, उसका भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। जो बड़े बड़े ढाबे और रेस्टोरेंट में करते हैं ना उसी तरीके से, यहाँ पे मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बता रही हूँ। चलिए ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इसको भी निकाल लेंगे। अब बचे हुए सारे शीख कबाब को इसी तरीके से कर लेंगे। अच्छे से एक बॉल्स बना ली मैंने और स्टिक को अच्छे से इस तरीके से लगाकर अच्छे से इसको इस तरीके से दबा दबा कर अच्छे से बना लेंगे। देखिए ये भी अच्छे से बन गया है और थोड़ा सा पोर्शन नीचे आपको दिख रहा है ना, वो चर्बी का है, उसको हटा देंगे और इसको थोड़ा सा फिर से प्रेस कर लेंगे। ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप इसको इजीली बना सकते हैं घर में। ये लीजिए एक शीख कबाब बनके तैयार हो गया फिर से। चलिए दूसरे को भी इस तरीके से ही दिखा लूँगी। सारे लोगों का यही कंप्लेंट रहता है कि इस तरह करने से हमारा शीख कबाब गिर रहा है, टूट रहा है बोल के। आपको इसकी थिकनेस और क्वांटिटी भी दिखा रही हूँ कितना लेना चाहिए और कितना गाढ़ा भी रहना चाहिए। ये शीख कबाब ज़्यादा पतला रहने से टूट जाएगा, इसी तरीके से आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहिए। देखिए ये भी बन गया है, अब सारे शीख कबाब अच्छे से बन गए हैं। चलिए इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए ऑलरेडी मैं अच्छे से फ्राई कर चुकी हूँ और शीख का कलर भी बहुत अच्छी तरीके से आया है और टेस्ट भी बहुत ही मज़े का बना हुआ है। अब चलिए फ्राई पैन से निकाल कर इसको मज़ेदार सर्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मैं इस तरीके से सर्विंग की हूँ, आप चाहे तो कोई भी और तरीके से सर्विंग कर सकते हैं आपकी मर्ज़ी से। देखिए इस तरह से की हूँ और बीच में हरी चटनी और प्याज भी रखी हूँ, इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़ेदार रहता है। आप इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इस तरीके से घर पे आसानी से बना सकते हैं, ये बहुत ही ईजी एंड सिंपल रेसिपी है ये। जब भी आपका मन करे आप इस रेसिपी इस्तेमाल करके ज़रूर बनाकर खिलाइए घर वालों को।
तो आप सिर्फ तारीफें ही पाएंगे, उतना मज़े का बनता है ये और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आया है। चलिए एक इसको कट करके आपको दिखाऊंगी इसका अंदर का टेक्सचर, देखिए कितना मज़ेदार बना हुआ है ना, देखते ही मुंह में पानी आ जा रहा है, उतना मज़े का बना हुआ है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने से। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल रेसिपी है, आप इसको कोई भी स्टिक्स में बना सकते हैं जो आप मैंने सिखाई हैं। चलिए अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस तरीके से इजी एंड सिंपल रेसिपी बनाने का सीखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बिगिनर्स के लिए मेरा रेसिपी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, आप इस रेसिपी से एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक यू। और मेरा वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।